370 पार कॉन्फिडेंस है कि ओवर कॉन्फिडेंस है? 100% कॉन्फिडेंस है. ओवर कॉन्फिडेंस? ना ना बिल्कुल नहीं. पक्का 400 पार कहना कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस? बिल्कुल कॉन्फिडेंस है. आपने बुलेट ट्रेन की बात की, पटरी पे आ रही है कि नहीं आ रही? आ गई. कब? जल्दी दौड़ेगी. जो उद्धव जी ने बुलेट ट्रेन को रोक के रखा था वो सारी रुकावटें हमने दूर कर दी, सारा एक्विजिशन हमने कर दिया, काम बड़ी तेजी से चल रहा है. उसका फर्स्ट फेज, क्योंकि गुजरात में काम रुका नहीं था तो हमसे आगे चले गए काम में, तो वहां पहले दौड़ेगी. लेकिन दौड़ के आना तो मुंबई है, मुंबई आए से वो ट्रेन को कोई दूसरा गंतव्य तो है नहीं, तो जल्दी मुंबई तक भी आएगी. मुंबई तक आएगी. 1 ट्रिलियन, महाराष्ट्र पहले कि उत्तर प्रदेश पहले? देखिए इसमें तो किसी के मन में सवाल ही नहीं आना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत पीछे है. देखिए बहुत मुझे खुशी है उत्तर प्रदेश जैसा राज्य 1 ट्रिलियन की बात करता है और पूरी ताकत के साथ वो उतरे. लेकिन देश में 1 ट्रिलियन की पहली सब नेशनल एंटिटी ये महाराष्ट्र ही होगा, क्योंकि हम लोग इस साल 0.5 ट्रिलियन पार कर जाएंगे. बाकी लोग हमसे बहुत पीछे, बहुत पीछे. तो 29 तक हो जाएगा? हम लोगों, देखिए अगर हम लोग बिजनेस यूजुअल भी करें तब भी 32 तक हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी होंगे. लेकिन अभी हम लोगों ने जो एक इकोनॉमिक काउंसिल गठित की थी, इकोनॉमिक एडवाइजरी कमिटी, उसने एक रोड मैप हमको दिया है जिस रोड मैप पर हम चलना चाहते हैं. उस रोड मैप पर अगर हम चलेंगे तो 2029 में हम लोग $1 ट्रिलियन सब नेशनल इकोनॉमी बने. पायलट फडणवीस रहेंगे महाराष्ट्र? देखिए फडणवीस पायलट रहे या फडणवीस झंडी दिखाने वाले रहे, फडणवीस रहेंगे और फडणवीस जहां भी रहेंगे महाराष्ट्र के हित में ही काम करेंगे.